जय हिंद। इस वीडियो में विजय सागर फाइनेंस लिमिटेड कंपनी पर बात करेंगे। अगर आपका भी इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट है और आपको भी लॉस हो रहा है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताया हूँ कि गलती कहाँ हुआ है और हमें अब आगे क्या करना है। ओके, आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, इस कंपनी को ऑलरेडी मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, उसमें बताया है कि फाइनेंस सेक्टर से बिलोंग करती है और एक NBFC कंपनी है। खैर, हम लोग सीधे मुद्दे पर आते हैं, समझिए। इसका मार्केट कैप है 27 करोड़ 11 लाख रुपया, यानी कि एक बेहद छोटी कंपनी है। और शेयर प्राइस देखेंगे 2.78 रुपये है आज के दिन का शेयर प्राइस है, और अभी डाउन ट्रेंड में है क्योंकि इसमें अभी लोअर सर्किट लगा है, लगभग 5% का लोअर सर्किट लगा है, तो शेयर प्राइस नीचे ही जाएगा। लेकिन अभी इस लेवल पर कंपनी के शेयर प्राइस में लोअर सर्किट लगने का कोई जरूरत नहीं था। जानबूझ के शेयर होल्डर्स को परेशान करने के लिए इसने लोअर सर्किट लगाया गया है। सेबी पगला गया, सेबी कुछ समझ में नहीं आ रहा अभी क्या करना चाहिए। इसमें जिस कारण से लोअर सर्किट लगा है, मैं एकदम 100% ग्रांटेड के साथ कहता हूँ, इसमें लोअर सर्किट लगने की कोई जरूरत नहीं था। दूसरा बात, इसका हाई है, देखिए 6.97 रुपये का यह कंपनी हाई लगा चुका है। हाई लगाया था इसी साल जनवरी में। आपने देखे होंगे कि मैक्सिमम जो पेनी स्टॉक है सबने जनवरी में ही हाई बनाया था, और जनवरी में हाई बनाने के बाद से उसमें डाउन ट्रेंड शुरू हुआ, शेयर प्राइस नीचे की तरफ आने लगा। लेकिन अभी जो मैक्सिमम पेनी स्टॉक्स हैं सभी ऊपर की तरफ जाने लगे। यह शेयर भी देखेंगे तो अपने लगभग 3.5 रुपये के आसपास चला गया था, लेकिन फिर इसमें डाउन ट्रेंड शुरू हो गया और अभी लोअर सर्किट लग गया है, जिसका बिल्कुल जरूरत नहीं था। और जब इसमें डाउन ट्रेंड शुरू हुआ है, शेयर प्राइस नीचे जा रहा है, तो देखेंगे कि एक सप्ताह में लगभग 13% के आसपास टूट चुका है। हालांकि एक माह का रिटर्न अभी भी इसका पॉजिटिव में है और लगभग 10%, और एक साल का रिटर्न देखेंगे तो 1012% का रिटर्न अभी भी साल भर का इसका पॉजिटिव है। खैर, ये तो इससे हमें कोई मतलब नहीं कि एक माह का और एक साल का रिटर्न पॉजिटिव। अभी शेयर प्राइस नीचे जा रहा है, क्यों जा रहा है इसके बारे में इस वीडियो में तब से इससे बात होगी। जब इसमें लोअर सर्किट लगाए तो इसमें वॉल्यूम भी अच्छा खासा क्रिएट नहीं हो रहा है। आपको देखिए, एक दिन में इसमें लगभग 5 लाख ही वॉल्यूम क्रिएट हुए हैं, एक कल इसमें सिर्फ 6 लाख, और एक सप्ताह हम देखेंगे तो 14 लाख ही वॉल्यूम क्रिएट हुआ है। जबकि अगर शेयर प्राइस में तेजी रहा था, मार्केट अच्छा खासा ऊपर जा रहा होता तो वॉल्यूम भी इसमें अच्छा खासा क्रिएट होता, लेकिन चूंकि लोअर सर्किट है तो शेयर प्राइस भी वॉल्यूम भी इसमें अच्छा क्रिएट नहीं हो रहा है। और आपको पता है कि वॉल्यूम अच्छा खासा जब क्रिएट होता है तो शेयर प्राइस में तेजी देखने को मिलती है। दूसरा बात, बहुत सारे लोग यह कह रहे हैं कि मेरे कहने पर उन्होंने इस कंपनी के शेयर्स को बाय कर लिया। मैंने पेनी स्टॉक वाले जो वीडियो बनाया था उसमें इस कंपनी का नाम लिया था, मैंने उनको बताया था कि इस कंपनी को भी आप अपने स्टॉक में रख सकते हैं। तो मैंने इसको रखने के लिए क्यों कहा था, इसके पीछे कारण है, समझिए। मैंने इसके फंडामेंटल को देखा था, Q3 के दिसंबर तिमाही के जो इसके रिजल्ट आए थे बहुत अच्छे आए थे, उसमें कंपनी का रेवेन्यू 5 करोड़ 12 लाख से बढ़कर सीधे लगभग 47 करोड़ हो गया था। प्रॉफिट भी कंपनी को जबरदस्त हुआ था, 1 लाख से देखिए बढ़कर 48 लाख हो गया सिर्फ 3 माह में। अर्निंग पर शेयर भी पहले कुछ नहीं था, 0.0 था, जो कि बढ़कर 0.05 हो गया। असेट देखेंगे कंपनी का 13 करोड़ 53 लाख से बढ़कर 14 करोड़ 10 लाख हो गया था। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए मैंने इसको कंपनी को अपने पेनी स्टॉक वाले वीडियो में चूज किया था, बताया था कि आप इसको अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। और हालांकि मैंने यह भी बताया था कि कंपनी का कर्जा भी बढ़ा है, 2 करोड़ से बढ़कर 3 करोड़ हो गया। हालांकि कर्जा कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ा, कर्जा का होना बुरी बात नहीं है, कंपनियां व्यापार करती हैं तो उनके ऊपर कर्जा है, ये कोई लॉजिक नहीं है कि इसके चलते अभी लोअर सर्किट लगाया शेयर प्राइस डाउन जा रहा है। मैं ये बस कह रहा हूँ कि मैंने इसके जो अच्छा खासा जो इसका फंडामेंटल में तेजी आया था, इसकी बदौलत इस कंपनी को अपने पेनी स्टॉक वाले वीडियो में रखा था। अब देखिए गलती कहाँ हुआ, समझिए। अभी जो लोग ये कह रहे हैं कि मेरे कहने पर आप लोगों ने इस कंपनी के स्टॉक को बाय कर लिया, उनसे मेरा सिर्फ एक ही सवाल है कि आपने अपनी रिसर्च और एनालिसिस क्यों नहीं की। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो ऑलरेडी बहुत सारी रिसर्च और एनालिसिस करने के बाद ही ये वीडियो बनाता हूँ, तो आपको रिसर्च करने की क्या जरूरत है। देखिए ऐसा नहीं है, ये लॉजिक यहाँ नहीं चलेगा। आपका पैसा है, आप अपने पैसे से शेयर खरीदने जा रहे हैं, तो आपकी यह जिम्मेवारी बनती है, आपका भी यह फर्ज बनता है कि आप उस कंपनी में जिसमें पैसा लगाने जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा समझें, पढ़ें, जानें, तब पैसा लगाएं। हर 100% मेरे ऊपर जिम्मेवारी डाल देना या किसी और के ऊपर कि आपने कहा तो मैंने पैसा लगा दे, ये लॉजिक सही नहीं है। दूसरा, आप पेनी स्टॉक है, पेनी स्टॉक कहने का मतलब पेनी स्टॉक फंडामेंटल और रिसर्च तथा एनालिसिस की बदौलत नहीं चलता, ये सिर्फ चलता है मार्केट में इस स्टॉक का अभी हाइप कितना है, डिमांड कितनी है, इसके प्रति पॉजिटिव न्यूज कितना है। पेनी स्टॉक हमेशा मार्केट में अगर अप ट्रेंड रहता है तो ऊपर जाता है और न्यूज के बदौलत चलता है, न कि फंडामेंटल और एनालिसिस के बदौलत। तीसरा बात, स्टॉक मार्केट में कुछ भी गारंटेड नहीं होता दोस्त। कोई कितना भी दिग्गज खिलाड़ी क्यों ना हो स्टॉक मार्केट के, वो 100% गारंटेड नहीं दे सकता कि इस पेनी स्टॉक का ये जो पेनी स्टॉक है ऊपर जाएगा ही जाएगा। इसलिए शेयर बाजार में आप हमेशा और खासकर पेनी स्टॉक में उतना ही रुपया लगाइए, चाहे आपको उस कंपनी पर कितना भी भरोसा हो, हमेशा उतना ही रुपया लगाइए जितना डूब जाए तो आपको तनाव नहीं हो। ये बात मैं हर वीडियो में बार बार कहता हूँ कि पेनी स्टॉक चाहे कितना भी अच्छा हो, हमेशा उतना ही रुपया लगाइए जितना लॉस हो जाए तो आपको तनाव नहीं हो। खैर, ये तो हो गई जो बातें गई, देखिए जो बीत गई सो बात गई, अब उस पर बहस करने से कोई फायदा नहीं है। हम लोग सीधे उस मुद्दे पर आते हैं कि हमें आगे करना क्या है, आगे इस पर्टिकुलर इस स्टॉक में हमें आगे क्या करना चाहिए, इसमें हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। समझिए, इसका जो रेजिस्टेंस लेवल है 3.05 रुपये,
और दूसरा रेजिस्टेंस लेवल 3.25 रुपये। मतलब अभी शॉर्ट टर्म में कंपनी का शेयर प्राइस अगर ऊपर जाता है तो यहाँ तक आ सकता है, और अगर उससे भी ऊपर जाता है तो यहाँ तक आ सकता है। समझिए, अभी इसका RSI 38 है, मतलब आराम से 50-60 तक तो RSI जाएगा ही जाएगा, और RSI ऊपर जाएगा तो शेयर प्राइस आराम से ऊपर जाएगा, और शेयर प्राइस ऊपर जाएगा तो यहाँ तक आ सकता है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको इसमें बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है तो देखिए अभी लोअर सिकट लगा है, बेच तो ऐसे भी नहीं सकते हैं, इसलिए थोड़ा दिन की बात है, वेट कर लीजिए। 2 से 3 सप्ताह के अंदर आपको इसका शेयर प्राइस तीन रुपया तक ही होल्ड कीजिए, 3 रुपये के आसपास ही शेयर प्राइस जाता है, वहाँ पर बेच के निकल जाएगा। हो सकता है थोड़ा आपको लॉस हो, लेकिन कम ही लॉस होगा, जब 3 रुपये के आसपास तक तो आएगा। तो और इसका जो सपोर्ट लेवल है 2.65 रुपया, दूसरा सपोर्ट लेवल है 2.30 रुपया, ये एकदम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। यहाँ तक शेयर प्राइस आने के बाद देखिए अभी जो हाई लगाने के बाद शेयर प्राइस डाउन जा रहा था, तो यहीं पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल ऊपर की तरफ उठना शुरू हुआ था, इसलिए अभी भी इसका यही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इससे नीचे आने की संभावना कम है, हालांकि आएगा अभी तो 2 रुपये के आसपास आ सकता है, उससे नीचे नहीं आएगा, क्योंकि देखिए इसका बुक वैल्यू 1.18 रुपये और अपने बुक वैल्यू के करीब यह शेयर नहीं आएगा, इतना भरोसा रखिए, इतना नीचे कंपनी का शेयर प्राइस नहीं आएगा। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको लॉस हो रहा है तो वैसे भी निकलने का अभी कोई रास्ता है नहीं, इसलिए बेशक सब्र कीजिए, वेट कीजिए, और कंपनी का शेयर प्राइस जो ऊपर की तरफ उठता है आराम से 3 रुपये तक जाने दीजिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है तो 3 रुपये पर बेच के निकल जाएगा, या अगर ठहरना चाहते हैं तो थोड़ा दिन और ठहर लीजिए, 3.5 रुपये के आसपास बेच के निकल जाएगा। तो देखिए दोस्त, चिंता करने से कुछ नहीं होगा, आप हमेशा पॉजिटिव रहिए। स्टॉक मार्केट है, यहाँ यही होता है, यही बाजार आपको अगर लूटता है, आपको नुकसान कराता है, तो यही बाजार आपको कमा कर भी देता है, इसी बाजार से आप कमाइएगा और आगे बढ़िएगा। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि बस आप अपनी लर्निंग पर फोकस कीजिए, थोड़ा सीखिए जानिए, तब आप अर्निंग भी अच्छे से कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। इस वीडियो से रिलेटेड अगर मन में कोई सवाल है तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, पर्सनली मुझसे जुड़कर बातें करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद, शुक्रिया।